न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। श्रावस्ती में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध में आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। डीएम नेहा प्रकाश के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने 3 गांव में छापेमारी की है। टीम ने 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और साथ ही टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बांदा में 7 साल मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मासूम के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले शख्स बहला फुसला कर ही ले गया और मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस पिता की दी हुई तहरीर पर मामले की जांच कर रही है। आरोपी फिलहाल घटना के बाद फरार बताया जा रहा है। सहारनपुर में ट्रक और एक्टिवा सवार 2 युवकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई है। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हरदोई के माधोगंज थाना इलाके में 5 दिन से लापता 4 साल के मासूम का शव नाले के पास झाड़ियों से बरामद हुआ है। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर जाकर पड़ताल की है। वहीं एसपी राजेश त्रिवेदी ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसपी ने बताया है कि सभी बिंदुओं पर अभी फिलहाल पड़ताल जारी है। विगत शुक्रवार थाना माधोगंज क्षेत्र में एक बालक घर से बाहर खेलते खेलते गायब हो गया था, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रथम दृष्टया डूबने की शंका होने पर आसपास के तालाब और नहर और गड्ढे सब देखे गए थे, लेकिन कल जब तब भी उसको कहीं नहीं पाया गया, तो अन्य शंका को देखते हुए विभिन्न फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया। आज प्रातः उस बालक की डेड बॉडी जहां वो गायब हुआ था उससे थोड़ी दूर पर झाड़ियों में मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम से जो भी टाइम ऑफ डेथ या कॉज ऑफ डेथ जानकारी मिलेगी उस हिसाब से अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में पुलिस की निष्क्रियता के चलते ही बाइक चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि थाना कुटार नगर क्षेत्र के मेलानी रोड तिकुनिया पर मौजूद एक बेकरी दुकान के सामने से बाइक चोर बाइक को उठाकर 9-2-11 हो लिया और वहीं सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। लेकिन उसके बावजूद थाना कुटार पुलिस ने अभी तक बाइक का पता नहीं लगा पाई है। और हमारी बेकरी तिकुनिया मेलानी रोड पे है और केक पेस्ट्री का काम है। सुबह आए और बाइक दुकान के सामने खड़ी की और 2 अज्ञात चोर आए, उन्होंने हमारी बाइक चोरी करके ले गए और थाने में कंप्लेंट की। पुलिस एक्शन कुछ नहीं ले रही। गोंडा में भीषण सड़क हादसा हो गया जहां स्कूल जा रहे छात्र छात्राओं को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। इस घटना में 2 सगी बहनों समेत 3 की मौत हो गई है जबकि 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शव को कब्जे में भी ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक छात्रा का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। थाना कनालगंज क्षेत्र में जनपद गोंडा में सुबह लापरवाही पूर्वक गाड़ी चढ़ाते हुए एक ऑल्टो कार द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिसमें 3 बच्चों की डेथ हो गई और एक बच्ची है जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएम साहब और मैं यहाँ पर आए हुए हैं, उसकी स्थिति एकदम सामान्य है। बाकी जो कार है उसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जो चालक था और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है। पीलीभीत में एक सिपाही ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना की खबर मिलते ही एसपी समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और आपको बताते चले कि सिपाही के खिलाफ 30 से ज़्यादा अनियमितता की शिकायतें जो थी वो दर्ज थी और इसके साथ ही 1 सप्ताह पहले ही सिपाही बर्खास्त चल रहा था।
विश्व परिषद गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों के बीच ही गंगा पुरोहितों सभा समिति का आज 5 वर्षीय चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 5 थोकों से 2-2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किया गया, जिसमें आपको बता दें कि अध्यक्ष पद चुने गए हैं और संजीव शेमवाल ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए समिति की ओर से आज से ही चाय की व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क समिति ने कर दी है। और वहीं अध्यक्ष संजीव सोमवाल ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए समिति अच्छा काम करेगी। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर और पंच बद्री में ही विराजमान ध्यान बद्री उगम घाटी को जोड़ने वाली हेलंग उर्गम मोटर की हालत इतनी खस्ता हाल हो गई है कि पर्यटक तीर्थ यात्री आधे रास्ते से ही वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उनके वाहन नहीं चढ़ पा रहे हैं। ऐसे में होमस्टे होटल ट्रैकिंग से जुड़े लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, बुकिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। आपको बताते चले कि PMGSY के लिए ही सोने के अंडे देने वाली इस घटिया निर्माण के लिए ही मशहूर उर्गम घाटी की सड़क के पुस्ते बिना बरसात के ही ढह जाने रहते हैं और लाखों के पुस्ते निर्माण में ही पत्थर की जगह मिट्टी भरी जा रही है। और कितनी उच्चतम किस्म की गुणवत्ता है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। चुनाव के वक्त उर्गम घाटी को कागजों में पर्यटन सर्किट गाँव घोषित किया गया था और ये कैसा पर्यटक सर्किट गाँव जहाँ पहुँचने के लिए पहले ही पर्यटक लौट रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।